हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मोटोरोला G22। काफ़ी प्यारा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। बैक साइड काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। जैसे बैक साइड आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे बारिश की बूंदें छिड़क रखी हो, इस तरह की लुक आएगी, अच्छी लुक आएगी, प्यारी लुक आएगी। मोटोरोला अपने फ़ोनों को द्वारा भारत के प्रत्येक कस्टमर को सरप्राइज कर रहा है। लॉन्च पे लॉन्च फ़ोन कर रहा है, बजट भी अच्छा है और फ़ोन भी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च करता जा रहा है। 8 अप्रैल को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। इसकी मार्केट वैल्यू 10 से 11 हज़ार के बीच रहने का अनुमान है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोशिश करें या प्रीपेड ट्रांजेक्शन करें तो आपको 500 से 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। 464 वेरियंट में ये आपको उपलब्ध होगा। डिस्प्ले 6.53 HD प्लस IPS डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। 5000 mAh की बढ़िया बैटरी है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छा है। बैक में 4 कैमरे दिए हैं, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। टर्बो चार्जर है 20 वॉट का, काफ़ी अच्छा, जल्दी फास्ट करता है। टाइप सी डाटा केबल है। फिंगरप्रिंट साइड में दे रखा है, फेस अनलॉक भी है, थिंक शील्ड की सिक्योरिटी में दे रखी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सिम स्लॉट 2 हैं, या तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या आप दोनों सिम लगा सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर मीडियाटेक हीलियो G37 प्रोसेसर दे रखा है, काफ़ी अच्छा है, गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 12 भी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, एक बैलेंस फ़ोन आप इसको बोल सकते हैं।